मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ एक नए सफ़र पर और इस सफ़र का पहला पड़ाव है अमृतसर शहर, जो कि फेमस है हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग और भी बहुत कुछ। सो इस ट्रैवलर को अंत तक देखते रहिए और चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। अमृतसर पहुंचकर पहले मैं लंच के लिए यहां के फेमस ब्रदर्स ढाबा पहुंच जाता हूं। यहां मुझे खाने को मिलता है अपने लाइफ का सबसे टेस्टी लस्सी और अमृतसरी कुलचा और छोले। लंच के बाद मैं पहले जाता हूं श्री दुर्गयाना टेम्पल। इसकी बनावट बहुत सी गोल्डन टेम्पल की तरह है। इस मंदिर में देवी दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी और विष्णु की भी पूजा होती है। मंदिर के चारों तरफ ये खूबसूरत सरोवर है जो इसकी शोभा को और भी बढ़ाता है। यहाँ आपको 700 वर्ष पुराना माता शीतला का मंदिर भी देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं फिर सिर्फ बाल्मीकि तीर्थ घूमने जाता हूँ। यहाँ आपको रामायण काल से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं देखने को मिलेगी। यहाँ आपको श्री हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा देखने को भी मिलेगी। साथ ही वाल्मीकि जी का मंदिर है और ये खूबसूरत जलाशय देखने को मिलेगा। इस सरोवर में अनगिनत मछलियां मिलेंगी जिनको आप खाना भी खिला सकते हैं। यहाँ मंदिर में आपको वाल्मीकि जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं वाघा बॉर्डर के रास्ते पर यहाँ वॉर मेमोरियल घूमने जाता हूँ। यहाँ आपको देखने को मिलता है 45 मीटर ऊंची तलवार का मॉडल। ये है हमारे प्रसिद्ध विक्रांत जहाज का मॉडल। यहाँ का म्यूजियम काफी विशाल है। म्यूजियम के सेंट्रल विस्टा में 8 गैलरीज हैं, जिसमें गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय काल से लेकर महाराजा रंजीत सिंह के कालखंड और कारगिल ऑपरेशन के बलिदान और वीरता की गाथा देखने समझने को मिलती है। ये सारे अस्त्र शस्त्र उस समय में इस्तेमाल होते थे। तो हम वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं। सभी लोग काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, सो यहाँ दूर में जगह मिली है। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। काफी जोश और एक्साइटमेंट का माहौल है। हम इधर भारत में हैं और वो उधर रहा पाकिस्तान। होटल हमने बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास लिया है, सो यहाँ रात में एक बार आना ही था। ये हरमंदिर साहिब का मेन एंट्रेंस है। रात के रोशनी में देखिए जगमगाता हुआ स्वर्ण मंदिर, पानी में पड़ता हुआ स्वर्ण प्रतिबिंब कितना मनमोहक है। मैं यहाँ तो घंटों बैठ सकता हूँ। आज मेरा यहाँ दूसरा दिन है और दिन की शुरुआत आज गोल्डन टेम्पल के विजिट के साथ किया है। दिन में भी ये उतना ही सुंदर दिख रहा है जितना मैंने रात में देखा था। यहाँ लंगर बनाया जाता है, सभी लोग सेवा भाव के साथ लंगर बना रहे हैं। मैंने भी सभी के साथ बैठकर लंगर खाया। अब मैं जा रहा हूं जालियांवाला बाग। बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ा था इस दुखद घटना के बारे में। यहाँ म्यूजियम में इतिहास के विभिन्न घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ मुझे जालियांवाला बाग से जुड़े लोगों की जुबानी पढ़ने को मिलती है। ये सब पढ़कर मन वाकई में शोकाकुल हो गया। ये वही कुआं है जिसमें लोगों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। यहाँ के दीवारों में ये गोलियों के निशान आज भी उस दिन के भयावह घटना को बयां कर रही है। यह है आज का मेरा आखिरी पड़ाव, पार्टीशन म्यूजियम। अंदर फोटो और वीडियो लेना बिल्कुल मना है, बट जो भी देखा वो काफी दुखद ही था। तो मेरी ये ट्रैवलॉग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। अभी आगे का सफर बाकी है, तो हम जल्दी मिलेंगे। टेक केयर और बाय बाय।